नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे वायरल न्यूज़ की सच्चाई जिसमें कहा जा रहा था कि राशन कार्ड आपका जब्त हो जाएगा। राशन कार्ड जब्त होने के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इसको डिटेल में। राशन कार्ड कैंसिलेशन को लेकर पिछले कई दिनों से मीडिया सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि जिनके पास सरकारी योजना के तहत पक्के घर, बाइक, गाय पालन, मुर्गी पालन, बिजली कनेक्शन या फिर सशस्त्र लाइसेंस हैं, वह सभी लोग राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख, शहरी क्षेत्र में 3 लाख से कम परिवार जिनकी सालाना इनकम है, वह सभी लोग राशन कार्ड के पात्र हैं। सांसद वरुण गांधी का ट्वीट और बांदा के डीएम का आदेश की कॉपी शेयर की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि अब अपात्र लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और अपात्र लोगों से राशन उन लोगों ने अब तक जो लिया है उसकी वसूली की जाएगी सरकार के द्वारा। इसका परिणाम ये रहा है कि भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लोग अपने राशन कार्ड को निरस्त कराने के लिए आपूर्ति कार्यालय के चक्कर काटने लगे हैं। अप्रैल माह में ही 43,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया है। मई के आंकड़े इससे पार जाने की स्थिति में देखे जा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यूपी सरकार ने वाकई में ऐसा कोई कदम उठाया है? तो इसका जवाब है नहीं। इस तरह का आदेश यूपी सरकार के द्वारा नहीं जारी किया गया है। इसका जवाब यूपी की सरकार खुद दे रही है। 22 मई 2022 को यूपी सरकार ने ऑफिशियल हैंडल से 4 ट्वीट किए जिसमें उन सभी दावों का खंडन किया गया है जिसमें कहा जा रहा था कि राशन कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। सरकार ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रचलित शासनादेश में आपात राशन कार्ड से वसूली जैसा कोई व्यवस्था निर्धारित अभी तक नहीं की गई है। सरकार ने साफ करते हुए बताया कि राशन कार्ड के आपातता नियम आज भी वही हैं जो 7 अक्टूबर 2014 के थे। शहरी क्षेत्र में आपातता के लिए 6 पॉइंट और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 पॉइंट बताए गए हैं। आपके पास एक से ज़्यादा सस्त लाइसेंस हो तो आप राशन कार्ड के लिए आपात्र हैं, फिर आप चाहें शहरी क्षेत्र के हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हो। यदि आपके पास 4 पहिया वाहन, एसी, 5 kVA तक का जनरेटर तो आप राशन कार्ड के लिए आपात्र हैं। यही क्राइटेरिया ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू होती है, बस इसमें 4 पहिया ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग को जोड़ दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अगर 100 वर्ग मीटर का अगर प्लॉट या मकान है, ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन के मालिक बुंदेलखंड, सोनभद्र, कैमूर, पहाड़ी इलाकों में 7.5 एकड़ जमीन है तो आप आपात्र हैं। शहरी क्षेत्र में 80 वर्ग मीटर या फिर उससे ज़्यादा की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये से ज़्यादा सालाना कमाई है तो आप आपात्र हैं। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, चाहे वे गांव में रहते हों या शहर में, दोनों ही राशन कार्ड के लिए आपात्र हैं। अब बात आती है कि बांदा के डीएम के द्वारा जारी किया गया ये आदेश क्या सत्य था? तो दोस्तों हाँ, ये जो न्यूज़ थी यह पूर्णतः सत्य थी, क्योंकि जो डीएम ने जो आदेश जारी किया था वो आदेश था सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना धारकों के लिए, ना कि APL और BPL कार्ड धारकों के लिए। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ये अंत्योदय अन्न योजना, APL और BPL कार्ड क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 प्रकार के कार्ड लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है अंत्योदय अन्न योजना। अब हम जानते हैं AAY कार्ड के बारे में, मतलब अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जो कि सबसे गरीब लोगों को दिया जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो और परिवार में कोई कमाने वाला ना हो, इसके अंतर्गत उन्हें हर महीने 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जाता है। आइए अब हम जानते हैं BPL कार्ड के बारे में। BPL कार्ड का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड। ये कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को दिया जाता है। इसमें ऐसे परिवारों को शामिल किया जाता है जिनकी सालाना आय 10,000 रुपये या इससे भी कम हो। इसके अंतर्गत कार्ड धारकों को हर महीने 25 किलो राशन प्रदान किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं APL कार्ड के बारे में, एबो पॉवर्टी लाइन, जिसके माध्यम से कार्ड धारकों को हर महीने 15 किलो राशन सरकारी दुकानों में दिया जाता है। बता दें, राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा हर महीने सब्सिडी दामों पर मिलने वाली राशन जैसे दाल, गेहूं, चावल, चीनी आदि खाद्य वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।
कार्ड धारक अपने कार्ड का इस्तेमाल सरकारी दस्तावेज के रूप में कर सकते हैं और साथ के साथ बीपीएल कार्ड धारक सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं और बच्चों की छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। सो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा आज का मेरा सेशन? अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।